आए दिन यहाँ आतंक फैल रहा है और ये आतंक कौन फैला रहा है और ये किस तरह का आतंक है। आए दिन बच्चों पर महिलाओं पर हमला हो रहा है और हम इतने हिंदुस्तान में इतने करोड़ों लोग हैं, हम सबको ये शर्मिंदगी की बात है और ये खुले आम बेखौफ तरीके से गुनहगार लोग लीगली यहाँ पे रेप हो रहा है तो ये बिल्कुल निंदनीय है। ये बिल्कुल हम सब मिल के इसको खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। ये इस तरह का देश में इस तरह का जो कल्चर है ये नहीं चलेगा। हम सबको साथियों, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा, हम सबको साथ में आना पड़ेगा। आज ये देश की मांग है, आज हम सब महिलाओं का आवाज है कि हम साथ में आए और जो गुनहगार है उनको सजा दे। आज जो राज्य है हमारे देश में, जो सत्तारूढ़ वर्ग है, ये बिल्कुल ये फैलाना चाहता है, ये आतंक फैलाना चाहता है, ये जो मुद्दे हैं उसको भटकाना चाहता है। धर्म, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी कुछ कभी कुछ। पर साथियों, हमें पता है हमारी आवाज जो है, आज हमारे मांग जो है, महंगाई, शिक्षा, रोजगार, ह्यूमन राइट्स का ऐसे कई कई अधिकार है, उन सब की आवाज जो आवाज उठाते हैं उन लोगों को भटकाने के लिए इस तरह की चीज, इस तरह की घटनाएं आए दिन सब जगह हो रहे और इस तरह के हमले भी हो रहे महिलाओं पर और साथ साथ में बच्चियों पर, ताकि साथियों हम सब ना साथ में ना आए और ये सत्ता को ही ना हिलाए। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में ये कल्चर ऐसे ही बना रहेगा, ये बरसों से बना हुआ है और जब तक ये व्यवस्था है यही कल्चर रहेगा। चाहे हम कुछ भी करें, कुछ भी मांगे, साथियों ये व्यवस्था हमें नहीं चलेगी। हमारा मांग होना चाहिए, साथ साथ में हम बरसों से भीख मांग रहे हैं। जब 2012 में भी हमारा इतना निर्भया कांड हुआ, पूरा देश भर लोग खड़े हुए, उस बार भी हमारा क्या हुआ, परसों बाद उनको गुनहगारों को सजा मिला। वो कितना बार हम मानते, हम हर बार आते हैं, हर बार लड़कियों पर महिलाओं पर अद्वेत होता है, कत्ले आम होता है, वो भी खुले आम लीगली। अब तो यहाँ लॉयर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं भाई ये तो अपराधी बिल्कुल कर नहीं सकते। तो ये कहाँ का मांग है, हमें बिल्कुल इसके खिलाफ लड़ना होगा, हम सबको साथ में आना है और साथियों साथ साथ में हम कब तक भीख मांगते रहेंगे और इस सत्ता को हमें पलटना पड़ेगा और इस सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। हमें एक नया सत्ता चाहिए, एक नया समाज चाहिए जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित होंगे, बच्चियां सुरक्षित होंगे, नौजवान सुरक्षित होंगे, अपना वो अपना चीज बेखौफ बोल सकेंगे। बस इनकलाब जिंदाबाद।